हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बेबी को कैसे लिबोलिन 0.31 mg सिप्ला कंपनी का कैसे पूरा प्रोसेस कैसे देना है बेबी को, पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है? लास्ट तक देखेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको पता लग जाएगा कि बेबी को कैसे देना है, लिबोलिन कैसे देना है, तो बिल्कुल आपको पता लगेगा। तो ज़रूर आप लास्ट तक वीडियो देखना है। तो जैसे आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ठीक है? तो अब देखेंगे, अभी जो है नेबुलाइजर मैं फिट कर रहा हूँ, ठीक है? नेबुलाइजर के द्वारा ही ये दिया जाएगा। तो अभी देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, तो नेबुलाइजर मैं फिट कर रहा हूँ। तो मेरा बेबी को एक्चुअली जुकाम हुआ था, तो थोड़ा कफ रह गया, तो कफ क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लिबोलियन दे रहे हैं, ठीक है? एक्चुअली मेरा बच्चे का वो 11 महीना चल रहा है, तो इसलिए वो लिबोलिन 0.31 mg दे रहे हैं। तो उसी हिसाब से एज के रिकॉर्डिंग दिया जाता है, उसका अलग अलग रहता है। तो उसका अभी मास्क लगाया मैंने, ठीक है? नेबुलाइजर में मास्क लगाया हूँ। तो आप जरूर देखिए वीडियो टी को। अभी मैं मास्क लगा लिया, अभी मास्क जो उसका फ्रंट की तरह उसको खोला हूँ। खोल के वो एक्चुअली जैसे उसको देते हैं ना, तो भाप बन जाता है, तो भाप को पहले साफ करना है, उसके बाद नेक्स्ट वो लिक्विड डालना है। ये है 0.31 mg लिबोलियन लिबोलिन। तो अभी हम लिक्विड डालेंगे उसमें, ये है लिक्विड, एक लिक्विड की तरह रहता है ये। अभी मैंने डाला है मास्क में, ये देख सकते हैं आप, डाल दिए लिक्विड। अभी ऊपर का हिस्सा इसमें लगा देंगे, जो मास्क की तरह वो बेबी के मुंह में लगता है, ठीक है? ये टाइट कर दिया हमने, सही से टाइट कर दिया, देख सकते हैं आप, ठीक है? क्या बेबी? अभी रेडी है, लिक्विड भी डाल दिया, अभी नेबुलाइजर भी रेडी है। अभी स्टार्ट करेंगे, रेडी है, ठीक है? अब स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अभी नेबुलाइजर दे रहे हैं, नेबुलाइजर द्वारा वो लिवलियर दे रहे हैं, चल रहा है। तो अब इसको हम कम से कम हमको 4-5 मिनट तो लगता है, 4-5 मिनट पूरा वाष्प हो जाएगा, भाप बन जाएगा, मतलब जो मास्क के नीचे जो है आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, जहाँ पे आप लिक्विड डालें तो वो एरिया पूरा भाप बन जाता है। जब वो ये चलेगा तो धुआं जैसा निकलता है, तो उसी हिसाब से हम पता लग जाएगा, हाँ मेडिसिन लिक्विड जो उसका अंदर चला गया, तो उसके बाद हम बंद कर देंगे, ठीक है? 4-5 मिनट तो लगता है। तो दोस्तों इस ऐसे ही आप भी देख सकते हैं, इसी प्रोसेस में ही देना है बच्चे को। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
लगभग 4 मिनट, 4 मिनट से ऊपर हो गया। अभी देखा तो थोड़ा लिक्विड भाप भी बन गया है, देखेंगे थोड़ा और लगाएंगे। ऐसे ही बच्चा भी दिखा नहीं रहा है और हो गया बेटा, हो गया अभी, हो गया, निकाल देंगे अभी। चलो हो गया, ये देखो पूरा बाष्प हो गया, भाप बन गया पूरा। ठीक है, तो इसको खोलेंगे ऊपर, ऊपर वाले जैसे लिक्विड डाले ऊपर वाला खोल के इसको झाड़ देंगे, झाड़ देंगे अंदर वाला जो भाप जो पानी होगा वो साफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम आसान होगा, साफ रहेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर लिक्विड डाल के देंगे। एक्चुअली दिन में ये 3 बार देना चाहिए, 8 घंटे में एक बार, प्रत्येक 8 घंटे में एक बार देना चाहिए, 3 बार। तो 3 बार दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको बढ़िया से पैक करके पन्नी में बांध के रखना है, खुले में नहीं रखना है, क्यों ना बच्चे को फिर से लगाना है, तो मास्क को संभाल के रखना है, बी केयरफुल, बेबी के लिए तो एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। तो अभी नेबुलाइजर भी मैंने अपने सब रख दिया, ये हमारा प्रोसेस हो गया। तो दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, और लाइक कमेंट शेयर करना है। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं, जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, बाय बाय। कौन है मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है।